कोरोना की दूसरी लहर के साथ देश में चक्रवाती तूफान ताउते ने अपनी एंट्री के साथ लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इस तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई है। ताउते के बाद एक और चक्रवात के आने का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात यास को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। देखिए क्या है चक्रवात व्यास और किस ओर से ये कितने दिनों बाद घातक साबित होने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर ने देश में बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक लोगों को इलाज के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साथ साथ देश में अब चक्रवाती तूफान ताउते ने भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। ताउते ने गुजरात और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई। कई इलाके इस तबाही से अभी तक उभर भी नहीं पाए थे कि एक और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है और इस चक्रवात का नाम है यास। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ताउते और कमजोर पड़ गया है। हालांकि इसका प्रभाव देश के कई राज्यों में नजर आया था। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में बारिश ने भी अपना असर दिखाया। इसके अलावा झारखंड के भी कई इलाकों में मौसम ने फिर से करवट ली है। जानकारी के अनुसार चक्रवात यास 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर पहुँचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी कि उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में दबाव बनने की संभावना है, जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है या उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है। 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल ओडिशा के तट तक पहुंच सकता है ये तूफान। पश्चिम बंगाल ओडिशा असम और मेघालय में 25 मई से हल्की से मध्य स्तर की बारिश हो सकती है। बहरहाल चक्रवात यास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इसके अलावा तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों को भी चेतावनी दे दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यास बीते साल आए तूफान अम्फान की तरह तेज हो सकता है। चक्रवातों पर नजर रखने वाली टीम का मानना है कि यास अम्फान जैसी तबाही ला सकता है और इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा चक्रवात यास के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने भी तैयारियों को लेकर बैठक की है। वहीं तूफान यास के खतरे को देखते हुए नौसेना ने भी अपनी कमर कस ली है। नौसेना ने राहत और बचाव काम के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही गोताखोरों और मेडिकल टीमों को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशाखापट्टनम में INS डेगा, चेन्नई में INS रजाली भी मोर्चे के लिए तैयार हैं। 8 बाढ़ राहत टीमें और 4 गोताखोरों की टीमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।